यंग गाइस, इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कैसे याद करने। काफी सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आता है और मेन प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे वैल्यूज याद करने। तो आपके सामने ये पीछे मेरे टेबल जो है ये बहुत बड़ा टेबल दिखता है, ऐसा लगता है इतनी सारी वैल्यूज है, ये सब क्या है, साइन कॉस टैन कॉट, ये सब हमें कंफ्यूज कर देता है और हम ये सब कैसे याद करेंगे। ये सारी वैल्यूज जब भी कोई क्वेश्चन आए तो फट से ये वैल्यू कैसे हमें याद रहेगी। तो इसको मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल करने वाली हूँ। आपको दिखती है बहुत सारी वैल्यूज पर आपको इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम सिंपल तरीके से इसे स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे हमारा जो ये कॉलम है ऑन द लेफ्ट साइड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे हैं उनमें से हमें सिर्फ 3 याद करने हैं और ये फर्स्ट 3 है, वो क्या है, साइन कॉस एंड टैन। तो हमें सिर्फ साइन कॉस टैन पता होना चाहिए और इनका बाकी 3 के साथ रिलेशन। तो साइन को अगर रिवर्स करेंगे मतलब 1/3 करेंगे तो क्या मिलता है, हमारा 4th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज कोसेक। तो कोसेक इज इक्वल्स टू 1/3 साइन, ये याद रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला मैं बता रही हूँ जो आपको याद रखना है कि 1/3 साइन जब करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक। तो पहले 3 साइन कॉस टैन है और चौथा हमने याद किया 1/3 साइन करेंगे तो कोसेक मिलेगा। वैसे ही कॉस जो सेकेंड हमारा है कॉस, उसको 1/3 करेंगे तो मिलेगा सेक। तो ये है कोसेक, यहाँ पे जैसे मैंने बता रही हूँ दिस इज कोसेक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया सेक विच इज 1/3 कॉस एंड थर्ड वन इज कॉट। तो ये कोसेक सेक कॉट हमें ये याद रखने, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज हमें याद रखने, कोसेक इज 1/3 साइन, सेक इज 1/3 कॉस एंड कॉट इज 1/10। तो पहली 3 याद करेंगे और बाकी 3 का रिलेशन याद रखेंगे कि इनका 1/3 मतलब अगर साइन की वैल्यू आपको पता है तो आपको वही एंगल की, वही थीटा मतलब एंगल, तो एंगल थीटा कहा जाता है। और एंगल कितने एंगल्स हमें याद रखने होते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें याद रखनी है वो ये 5 वैल्यूज के लिए। कौन सी 5 वैल्यूज है एंगल्स की, 0 से लेके 90 तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 5 वैल्यूज है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन 5 वैल्यूज एंगल की वैल्यूज के लिए हमें साइन कॉस टैन याद रखना है। इवन थर्ड रो जो है टैन, वो भी मैं कहती हूँ वो भी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ साइन और कॉस याद रखना है। और इसमें से भी मैं आपको कम करके दूंगी, कैसे कम होता है बाद में देखेंगे। टैन भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैन का भी एक फॉर्मूला है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन इज साइन अपॉन कॉस। तो अगर साइन और कॉस हमें ऊपर की 2 वैल्यूज पता है, उनको दोनों का अगर हम डिवाइड कर देंगे, साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो हमें टेन मिल जाएगा, सिंपल है ना। तो साइन अपॉन कॉस मतलब ऊपर की वैल्यू पता है, अगर साइन पता है कॉस पता है तो हमें मिल गया टेन। तो इसे भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, टेन ऊपर 0 और 1 है तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और हमें मिल जाएगा साइन अपॉन कॉस से 10, मतलब 0/1 0, ये 1/2 √3/2 है, तो 1 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में जब डिवाइड कर, 1/√3 बचा। तो अगर ये 2 वैल्यूज पता है तो थर्ड वैल्यू 10 हमें अपने आप मिल जाएगी। मतलब कोसेक सेक कॉट भी याद नहीं रखना है क्योंकि साइन कॉस 10 पता होगा तो ये 3 मिल जाएंगे, और ये 10 भी याद नहीं रखना है क्योंकि 10 इन दोनों को डिवाइड करके मिल जाएगा। डिवाइड कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये हो गया, अब हमें सिर्फ साइन और कॉस याद रखना है। और ये 5 एंगल्स जो मैंने बताया आपको, ये 5ों एंगल्स भी याद नहीं करने क्योंकि ये 5ों एंगल्स भी जोड़ी है, जैसे साइन और कोसेक की जोड़ी है, कॉस और सेक की जोड़ी है, टेन और कॉट की जोड़ी है, ऊपर नीचे हम देखे ये जो 1/3 करके, वैसे ही एंगल्स की भी जोड़ी है। 90 होना चाहिए मतलब उनका एडिशन, एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब 0+90 होता है, 30+60 90 होता है, और 45+45 90 होता है। तो मतलब बीच का 45 तो वही है, लेकिन ये जो 0, 90 और 30, 60 का जो हमने जो ग्रुप बनाया, पैर बनाया कि इनका एडिशन 90 होता है, उससे हमें साइन और कॉस की वैल्यूज पता चल जाएगी। मतलब सिर्फ साइन पता है तो कॉस अपने आप पता चल जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब अगर साइन 0 कितना है, सबसे पहली वैल्यू अब देखिए हम याद कर रहे हैं, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। साइन फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 0 फर्स्ट एंगल है, और साइन और 0, साइन 0 लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। हम शुरुआत कर रहे हैं 0 से, ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी है, हमें शुरुआत ही 0 वैल्यू से करनी है। और ये कहां तक जाता है, 1 तक, बस 0 से 1 के बीच में ही सारी वैल्यूज है, तो बहुत ही इजी है ये। तो अभी हम 0 से 1 मतलब साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, ये फर्स्ट 2 वैल्यूज हम याद कर रहे हैं, 0 और 1।
और इसका इसका कॉस कम कैसे पता चलेगा, उल्टा करके, मतलब साइन जीरो जो है वो कॉस 90 है और कॉस जीरो जो है वो साइन 90 है, मतलब साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, साइन 90 इज वन, कॉस 90 इज जीरो। तो ये चार वैल्यूज अब मैंने आपको बता दी, ये चार वैल्यूज आपने याद कर ली, वो भी सिर्फ दो पता होगी तो बाकी दो अपने आप पता चल जाएगी कि साइन जीरो इज जीरो, साइन 90 इज वन, फिर कॉस जीरो इज वन, कॉस 90 इज जीरो। तो हमारी ये चार वैल्यूज हो गए। अब ये चार वैल्यूज अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे बाकी वैल्यूज के लिए। ये देखिए बाकी वैल्यूज कैसे हम निकालेंगे। तो अभी साइन जीरो इज जीरो हमने याद किया, साइन 90 इज वन, साइन याद रखना है, साइन का फर्स्ट रो तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट रो याद होगा तो बाकी सब मिल जाता है। साइन जीरो इज जीरो, साइन 30, जीरो के बाद 30 आ रहा है, साइन 30 इज 1/2, साइन 30 1/2 है तो कॉस कितना 1/2 होगा, 90 माइनस 30 मतलब 60 बाकी का है ना, तो 30 साइन 30 इज 1/2, कॉस 60 इज 1/2, ये देखिए कॉस 60 इज 1/2। तो ये हो गया हमारा साइन और कॉस का रिलेशन भी। नेक्स्ट आता है साइन 60, साइन 60 इज रूट 3/2, तो ये वैल्यू भी आपको याद करनी है, 1/2 साइन की लाइन हमें याद करनी है, सिर्फ साइन की एक लाइन याद होगी बाकी सब आप सोच के कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी क्योंकि आपको साइन पता है। तो साइन 60 इज रूट 3/2, तो ये 1/2 रूट 3/2 का जो रिलेशन है, जैसे 0 और 1 था, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, तो कॉस में उसका रिवर्स रिलेशन था, वैसे ही साइन 30 इज 1/2, कॉस 60 इज 1/2 है ना, साइन 30 1/2 था तो कॉस 60 इज 1/2, और साइन 60 इज रूट 3/2 तो कॉस 30 इज रूट 3/2, तो ये हम ऐसे मिल जाता है। और साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम है, तो साइन 45 की वैल्यू तो हमें साइन जैसे मैंने कहा फर्स्ट रो तो आपको याद ही करना है, तो साइन 45 1/√2 है तो कॉस 45 भी 1/√2 होगा। तो हो गया ना, ये फर्स्ट रो अगर आपको पता है तो सेकेंड रो आप अपने आप इसे स्टडी कर सकोगे, समझ सकोगे। तो साइन की वैल्यूज पता है तो कॉस की वैल्यूज मिल जाएगी, साइन और कॉस की दोनों की वैल्यूज मिल गए तो टेन की वैल्यूज मिल जाएगी, क्योंकि टेन क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो जब आपको पता है साइन जीरो इज जीरो तो टेन जीरो क्या होगा, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो। ये मेरा स्टेटमेंट याद रखो, ये मैथ्स का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल रूल है, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो। अगर ऊपर जीरो है तो आंसर जीरो ही आएगा, नीचे आप लाख करोड़ कुछ भी डाल दो, ऊपर जीरो है तो जीरो ही आएगा। जैसे कहते हैं ना, ऊपर का दिमाग खाली है तो जीरो ही है वो, तो ऊपर जीरो है मतलब जीरो आंसर है। तो ये बहुत सिंपल हो गया हमारा। तो साइन जीरो इज जीरो जब हमने कह दिया तो यहाँ पे टेन जीरो इज ऑल्सो जीरो, तो ये वैल्यू भी हमारी हो गई, ठीक है। टेन 90, अब अगर जीरो डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे जीरो है तो उसकी कोई अंत ही नहीं है, दैट इज अनडिफाइंड। तो अगर नीचे जीरो आता है तो दैट नंबर इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। तो अगर नीचे जीरो है, जैसे 1/0 हो गया ये, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो हमें ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टेन जीरो और टेन 90 की वैल्यूज, मीन्स टेन 90 इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आपका पास क्वेश्चन भी आएगा टेन 90 कितना है, तो आपको अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड ही लिखना है, ठीक है। तो ये या तो इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, बट स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग इट इज नॉट डिफाइंड। अब ये हो गया, अब आते हैं टेन 30 पे। टेन 30 मतलब साइन 30 अपॉन कॉस 30, मतलब ऊपर जो दो वैल्यूज है उन्हें डिवाइड करना है। तो हमें साइन 30 पता है 1/2, ये याद रखोगे आप। कॉस 30 अगर आपको याद भी नहीं होगा तो साइन 60 सोच लो, रूट 3/2, ये रूट 3/2 यहाँ पे, तो 1/2 अपॉन रूट 3/2, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 1/√3, तो डिवाइड कर रहे हैं ना दोनों को, साइन अपॉन कॉस, तो 1/√3 मिल गया हमें यहाँ पे, है ना, एग्जैक्टली वही मिला ना हमें। तो टेन 30 इज 1/√3, तो 1/2 √3/2 हमें याद होगा, तो अभी हम फट से कह सकते हैं 10/30 1/√3। 10/45 इन दोनों का रेशियो 1/√2 / 1/√2 दोनों सेम है, तो ऑफकोर्स डिवाइड करके 1 बचेगा, तो आंसर इज 1, है ना। √2 √2 भी अगर हम ऐसे भी सोचेंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो भी 1/1 1 बनेगा, तो 10/45 इज 1। तो आप बार बार ये सम्स भी सॉल्व करोगे ना, तो आपको याद भी हो जाएगा कि 10/45 इज 1, और याद ना भी रहे तो 1/√2 / 1/√2 सिंपल है, 1 ही आएगा, है ना। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद रहेगी। ये हो गया अभी 10/45। 10/60 मतलब साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 कितना है, √3/2 / 1/2, वापस 2 डिनोमिनेटर का कैंसिल, तो ये √3/1 मतलब √3। तो ये देखिए यहाँ पे भी 10/30 और 10/60 का उल्टा रिलेशन है, 10/30 इज 1/√3, 10/60 इज √3,
तो ये भी आपको मिल जाएगा, मतलब ये भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको टैन की वैल्यूज भी याद हो गई, साइन कॉस से टैन मिल जाएगा डिवाइड करके दोनों को, और कोसेक तो वन अपॉन है, साइन पता है तो वन अपॉन करके कोसेक मिल जाएगा। साइन जीरो इज जीरो, तो कोसेक जीरो विल बी नॉट डिफाइंड, उसका रिवर्स नॉट डिफाइंड। उसके बाद साइन थर्टी इज वन अपॉन टू, तो कोसेक थर्टी विल बी वन अपॉन टू का उल्टा, मतलब टू, टू पर चला जाएगा ना, ये वन अपॉन है तो ये उल्टा हो जाता है, टू पर वन नीचे, टू अपॉन वन मतलब टू। वैसे साइन 45 वन अपॉन रूट टू है, तो कोसेक 45 रूट टू अपॉन वन होगा, मतलब रूट टू उल्टा इसका। ये रूट थ्री अपॉन टू है तो यहाँ पे आएगा टू अपॉन रूट थ्री, और वन है तो वन अपॉन वन तो वन ही रहेगा। तो साइन 90 इज ऑल्सो वन एंड कोसेक 90 इज ऑल्सो वन, तो ये वैल्यूज भी हमारी हो गई। अब जाते सेक पे, सेक इज वन अपॉन कॉस, देखिए वन है यहाँ पे तो ये वन, ये रूट थ्री अपॉन टू है तो ये टू अपॉन रूट थ्री, ये वन अपॉन रूट टू है तो ये रूट टू है ना, ये वन अपॉन टू है तो ये टू, कोसेक का उल्टा, एंड दिस इज जीरो, सो इसका उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड, जीरो का उल्टा मीन्स नॉट डिफाइंड, वन अपॉन करेंगे जीरो को तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तो सेक की लाइन भी हो गई। अभी लास्ट क्वाट की लाइन भी बहुत सिंपल है, टेन को उल्टा करना है, जीरो जीरो का उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद वन अपॉन रूट थ्री टेन है, टेन थर्टी इज वन अपॉन रूट थ्री, इसको उल्टा करेंगे तो ये वन अपॉन करेंगे तो रूट थ्री अपॉन वन मतलब रूट थ्री, ये भी मिल गया। 45 is 1, तो cot 45 1 upon 1 भी 1 ही रहेगा। 1 upon 2 का 1 root 3 है, 10 60 is root 3, तो इसका उल्टा 1 upon root 3, तो सारी values हमें मिल रही है। And this is tan 90 is not defined, so cot 90 will be उल्टा उसका, not defined का उल्टा है 0। तो ये पूरा टेबल आपने याद कर लिया, आपको पूरा टेबल आ जाता है, मींस बहुत ही सिंपल है। इनिशियल वैल्यूज पता है तो आप पूरी वैल्यू समझ के आप पूरा टेबल फिल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक दो डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारी वैल्यूज लगती है, पर आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को भी आप बार बार देख के अपना कंसेप्ट नो मजबूत कर सकते हैं, और हमारे बाकी वीडियोज भी देख सकते हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।